तो गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं जिम कॉर्बेट पार्क में। एक बहुत ही खतरनाक लोकेशन है, आप देख सकते हैं। हमने अपनी कार की खिड़कियां भी खोल कर रख रखी हैं और हमारे सारे साथी ही बड़े ही उत्साहित हैं इस जगह पर घूमने के लिए। आप कभी भी आए तो ढिकाला जा रहे हैं, तो रास्ते में इस जगह अगर आप रुके तो बहुत ही सेफ्टी के साथ रुकना, क्योंकि यहाँ पर जानवरों का खतरा। देखिए आप, बेहतरीन लोकेशन है, क्या नजारे हैं, दिल का नजारे। ऐसी जगह देखकर दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। Hey guys, welcome to back our new vlog। तो आज हम फिर निकल गए हैं एक नई ट्रिप पर, और ये ट्रिप होने वाली है हमारी जिम कॉर्बेट पार्क की। मैं और मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है, मैं सबको सबसे मिलवाने जा रहा हूँ। आपको मेरे साथ हैं जो कि ड्राइविंग कर रहे हैं मोहम्मद नाजिर उर्फ लकी तिरंगा। जंगलों में इस वक्त हम घूम रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क के। नाजिर भाई कैसा फील हो रहा है? जबरदस्त, बताए कायम काला काला। और नदीम भाई है पीछे साथ में, ईदुल भाई कैसा लग रहा है? और बेहतरीन मौसम है, आगे बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और आज हो सकता है हमें शेर भी मिल जाए, उम्मीद यही है, क्योंकि खतरनाक जंगल में हम एंट्री कर चुके हैं। मैं बताया गया आगे कदम नहीं रखना नीचे बिल्कुल। अच्छा, इन्हें गाड़ी से नहीं उतरना है, कदम नहीं रखना है। तो गाड़ी जुड़ा, अगर गाड़ी खराब हो जाए तो कूद जाना, कदम नहीं रखना। ओके, पानी 14 किलोमीटर। देखिए अब बताइए, अगर यहाँ हाथी आ जाओ तो बचा लेगा हमें। देखिए जरा इतना डरावना जंगल, कंकाल टंग रहा है, कंकाल देखो, ये देखो भैंस का कंकाल टंग रहा है, कर कर देखिएगा भैंस का कंकाल। इन्होंने जांच करके बता दिया दूर से भैंस गई है। वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, ए वो जा रही है, गई हमें देखकर भाग गई। दो थी है। जब आप ढिकाला आओ तो ढिकाला पे जो ये बीच में एक स्पेस मिलेगा रुकने के लिए, बहुत ही शानदार। देखिए आप, और ये पहाड़ नाजिर भाई कैसे लग रहा है ये पहाड़ इस वक्त? लाल ऐसा लग रहा है मैं यहाँ हूँ नहीं इंडिया में, कहीं बाहर फील हो रहा है। और देखिए जंगल ही जंगल इधर। हमने गाड़ी रोक रखी है, हमने गाड़ी की जो है अपनी खिड़कियाँ भी खोल रखी हैं ताकि कोई जानवर आए तो हम एकदम जल्दी में गाड़ी में बैठ सकें। रुक जाओ रुक जाओ, एक मोर ये है और एक इधर है, किधर है तो यार देखिए, तो अच्छा है ये, देखियो लगा रहा हूँ। तो यार यहाँ का फोटो बहुत नाजिर भाई, बहुत जबरदस्त। देखियो क्या लग रहा है, स्विट्जरलैंड लग रहा है बिल्कुल। पेड़ हो गए ये देखो, ये इसमें देखो ये झालर सी टंगो भी होती है ना। तो गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं जिम कॉर्बेट पार्क में। एक बहुत ही खतरनाक लोकेशन है, आप देख सकते हैं। हमने अपनी कार की खिड़कियां भी खोल कर रख रखी हैं और हमारे सारे साथी ही बड़े ही उत्साहित हैं इस जगह पर घूमने के लिए। आप कभी भी आए तो ढिकाला जा रहे हैं, तो रास्ते में इस जगह अगर आप रुके तो बहुत ही सेफ्टी के साथ रुकना, क्योंकि यहाँ पर जानवरों का खतरा। देखिए आप, बेहतरीन लोकेशन है, क्या नज़ारे हैं, दिल का नज़ारे। ऐसी जगह देखकर दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। तो गाइस हम जगह पर आ गए हैं, एक रिसोर्ट है बहुत ही शानदार बना हुआ है, और हम अपनी सूट की लोकेशन यहाँ पर सेट करने आए हैं। तो गाइस हमारे जो एक यहाँ पर हम सूट की लोकेशन जो है देखने आए हैं, हम पहुँच गए हैं वहाँ पर, अभी बात करेंगे लोकेशन की। आप देख सकते हैं कुछ नहीं आया। जंगल, जंगल देखना है, देखो जंगल। ये वहीं से निकल कर आ रहा है उसमें से, ये दिखाई दे रही है आपको। फोटो क्लिक करो, एक लो बताओ ना, फोटो क्लिक करो ऐसे। फोटो तो कर रहा हूँ, बताओ दिख कर या नीचे का जंगल। बिल्कुल लद्दाख वाले सीन है, बिल्कुल भाई वो सही कह रहा है। ऐसी सीन है लद्दाख में जाते हुए, तो एक वो होटल है, इसी में चलना है चाय पी के।
चाय पी तो पीछे जो कुर्सी पड़ी है ना हमारी, बस भाई पीछे जो कुर्सी पड़ी है ना यहाँ चाय पी दो, बड़ा बेहतरीन बड़ा बेहतरीन फोटो आ गए। घर ना पहाड़ी है, बस ये बस पहाड़ी है मंदिर है, लास्ट पे आ गए। निकल लेगा थोड़ी बहुत देर में, साइड से हैं इसे लगा दे। उत्तराखंड का मैगी खाओगे आखिरी ढाबा, मैगी आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड का आखिरी ढाबा है, इसके बाद आपको कोई ढाबा नहीं मिलेगा क्या। और हम यहाँ पर चाय पीने रुके हैं और यहाँ से उसके बाद आखिरी गांव है ये, इसके बाद वापस जा रहे हैं हम घर। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, ऐसा फील होगा जैसे कि आप लद्दाख में हैं। सामने आप पहाड़ देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं। तो आप देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, पहचान के निकले। खास कौन सी थी यार वो, अगर आओ उत्तराखंड और यहाँ ना आए तो भाई साहब तो गाइस हम इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर, आप देख सकते हैं हमारे साथी भी नीचे हैं और देखिए वो चाय पीने का इंतजाम कर रहे हैं। कितनी खतरनाक पहाड़ी है, बड़ी मुश्किलों के साथ हम पहाड़ी पर चढ़े हैं, बहुत ही ऐसी आ गया अचानक बिना मुंह हाथ धोए, मैं सोचियो कि कैसा लग रहा हो। लुकिंग पर मत जाएं आप हमारी, और हम नेचर का मजा लेने आए हैं केवल, और बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर और भी पहाड़ है लेकिन हम नहीं चढ़ने वाले क्योंकि यहाँ भी खतरा है जंगली जानवरों का। और ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर 7:30 के बाद निकलना ही पड़ेगा, हालांकि क्योंकि जो लास्ट उत्तराखंड की दुकान है यही बंद होने वाली है, लास्ट चाय है हमारे लिए, इसके बाद ही बंद होगी। ये देखिए रात का नज़ारा जिम कॉर्बेट पार्क और जानवरों का पूरा यार, वो कैसा खतरा कैसे कैसे टहल रहे थे दोनों यार, वो भी ये लोकल के हैं, वो तो तैयारी कर क्यों रहे हैं, वो 4 साल के लिए तो भागम भागी हो रही है। करियो एक बार और, एक बार और पूरी लाइट बंद करता। देखो गाइस जंगल में चल रहे हैं और लाइट बंद करने से कैसा हो रहा है, चलती रहने दो यार, और भाग जाएंगे। अरे बंद करके चलने दो, मोड़ थोड़ी है। बोल लो डर लग रही है आप तो खोल लो, कभी मोड़ो कोई आ रही हो कभी